घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। जब तक देश में भ्रष्टाचार चलेगा, जा नारी को अनसंग चलेगा। अब नहीं आएगा मजा। अबुआ जी जो है आमरण अनशन पे बैठ गई हैं कि मतलब जब तक हमारी शादी ना हो जाए वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। ये क्या हो रहा है? अनशन तो मेरी शादी के लिए रखा गया था ना। शांत लली शांत। अगर अनशन में हम किसी को खाते पीते हुए देख लें और उसका वीडियो बना ले तो काम बन सकता है। मैं कह रहे थे कि हमने गाजर का हलवा और दूध भी पिया है, वो क्या ना खाली पेट दूध नहीं पीते। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। किससे? अपने आप से। लल्लुओ और लालियो, यो प्रोग्राम यही समाप्त होता है। ये अनशन को खुलासो कल हो, क्योंकि तुम सबकी पोल पट्टी है हमारे पास। और फिर ना ये अनशन रहेगा और ना होगी शादी। ओहो लल्लू, तू क्यों यो लंबाई में फेरे ले रहा है? खड़ा हो जा, एक जगह खड़े हो जा। दादा जी आप समझ नहीं रहे, मुझे लगता है कि दादी मेरी शादी करा के रहेगी। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, दिमाग चल रहा है मेरो। ये जो एंटीना है ना 24 आवर काम करते हुए। दादाजी एकदम टॉप कमाल का वीडियो बना है, अनशन खत्म। उनकी पोल खोलने के लिए हमने उनके खातों का वीडियो बना लिया। की बात कर रहे हो? अच्छा ये तो मैसेज आ गए, कोई मैसेज आ गए। अब प्ले कीजिए। प्ले मतलब खेले? नहीं नहीं स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करें वीडियो? कहाँ से करें? इधर लाओ मैं देखता हूँ। इसका दिमाग बहुत तेज है, ये निकाल ले वो। इसमें तो कुछ भी नहीं है दादाजी। निकाल दियो ना, मैंने कहा था दिमाग बहुत तेज है। अरे मतलब कुछ वीडियो नहीं है, कुछ नहीं निकाला इन लोगों ने। मुझे तो लगता है कि लपू जन अभी मिलेगा दादाजी। ये लोग चाहते कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं यहाँ से खड़े खड़े विदा हो जाऊँ, है ना? अरे मैंने तुझसे कहा ना, हम तेरी शादी नहीं होने देंगे। अरे यार तुमने तो सब बड्डा डार कर दिया। लेकिन दादाजी आपने तो बोला था कि हम आज अनशन की पोल खोल देंगे, अब उसका क्या होगा? क्या होगा? दादाजी वो सॉरी, शायद हम लोग ना बटन दबाना भूल गए। तो बाकी सब तुमने सही किया था ना? बाकी रह क्या गया यार, सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हो और बटन दबाना ही भूल गए यार। बताओ यार। नहीं दादाजी बहुत याद, हम दोनों एक दूसरे का पूरी रात वीडियो बना बना के ना बड़ी प्रैक्टिस की है। हमारी जाती आई थी, आई थी अभी बना रहा। जरा एक घंटे टाइम को भी आने दो दादा। अभी दादाजी आ रहे दादाजी। कौन सा वीडियो बना रहे हो? है ना ये भी काम का वीडियो है यार, हमारी पब्लिसिटी होगी इसमें। हाँ बनाने हो गया हो गया। अब जाओ ना यार, जिसका बनाना उसका बनाओ। क्या वीडियो? देखो हमको गुस्सा मत दिलाओ। हाँ हम तुम्हारा फोटो खींच देंगे और मन में आई ना तो माला टांग के यहाँ लगा देंगे। नहीं दादाजी हमको मत टांगना, हम टंगे हुए कैसे लगेंगे? यार अभी तुम जाते हुए कैसे लगोगे? बहुत अच्छा ये जाते हुए ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए। दादाजी जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। देखी तुझमें बहुत दिमाग है, तू अंदर जा कमरे में और कैमरे का बटन दबाना। अब खुलेगी पोल। हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाई है जी, लाने हमको लग रहा है कि को बड़ी जोर से भूख लगी है। ऊपर से ऊपर से जी समोसे और जलेबी की खुशबू,
या तो ये अनशन ना होता या तो फिर ये दुकान ना होती। ए बिंदिया, ये तो पता ये अनशन वाले नाश्ता भी ना कर सके। वाह, खाने की बात मत करो, मीडिया वाले सुन लेंगे। आप बस पी सकती हो। जे क्या कह रही है? हाँ, मैंने तो कभी हाथ भी ना लगाई। अरे बुआ, मैं बोतल की बात नहीं कर रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो बड़ी गंदी चीज होती है, आप बस पानी पी सकती हो। ये तो हमारी परंपरा है, एक काम करते हैं, पानी में थोड़ा जूस मिला देते हैं, दो घूट आप पी लेना, दो घूट हम पी लेंगे। अरे ये पानी के साथ का सीधा जूस ही ले आना, लेकिन नहीं हो ठंडा। हाँ सुनो, एक काम कर, लौकी नहीं तो करेले का जूस ले। है? करेले के जूस की बात मत करना। ये अच्छे खासे गिट्टी के फूफा जी तपाल बाती कर रहे थे, जो उनसे किसी ने कह दिया कि करेले का जूस पीने से पेट गायब हो जाता है। वो करेले का जूस लेने गए और खुद ही गायब हो गए। गायब होना ये तुम्हारी परंपरा है ना लल्ली? ना, शांत संयम रख। अरे बाकी बिहारी सब ठीक करेंगे, ऐसे करेगी बिटिया तो सब मेहनत में पानी भर जाएगो। ए लल्लू, अब तक तो तेरे पिताजी को भी भूख लगानी चाहिए। हाँ। ना लगी है? लगी होगी। ओए ए लप्पू चुन्ना। जी बुआ जी। तुम का फोटो खिंचाने लाने इधर खड़े हो? नहीं बुआ जी, हम फोटो खिंचवाने के लिए नहीं खड़े, हम तो खींचने आए। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ आपके अनशन के मजे लेने आए हैं। फोटो खिंचवाने का मन तो हमारा भी था, लेकिन ये मीडिया वाले आए नहीं। फोटो खिंचवाने की बात मत कर, दादाजी टांग देंगे। हा? अब बुआ जी आप जूस पियो ना, हम नहीं देख रहे। बुआ जूस मत पीना, जूस पी लिया तो अनशन अभी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये अनशन वाले कुछ खा भी नहीं सकते और कुछ पी भी नहीं सकते। पता नहीं, पक्का नहीं, अभी बोलते हैं ऐसा। बुआ जी अनशन वनशन छोड़ दो, देखो हम शादी तो करेंगे नहीं। सत्यानाश, आपकी मर्जी। ना लल्ली, तू हिम्मत रख, लगी रहे, जब तक गेटी कुंवारा रहेगा तब तक अनशन चलता रहेगा। क्या है ना कि हम लोग अनशन पे है ना, तो अन्न नहीं खा सकते, इसलिए हम चाट खा रहे हैं और भैया से मैया खा रहे हैं। तो अनशन पे तो हम भी जी, तो हम भी खा सकते हैं ना। हाँ, और भी खा सकते हैं। हम तो मुखिया हैं अनशन के, तो हम तो खा ही सकते हैं ना। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अच्छा मुरारी भैया, ये अनशन वाली रात को खाते तो होंगे ना? हमरा के कोनो जानकारी नहीं, हमरा जो भैंसिया है कभी कोनो अनशन पर बैठे ही नहीं, वो तो पूरा दिन चारा के बात है। अरे भाई, अनशन पे जो लोग बैठते हैं वो ना दिन में कुछ खाते हैं ना रात को खाते हैं। ना खाते हैं ना पीते हैं तो अनशन काहे को करते हैं? अरे मुरारे भाई, ये तो अपनी अपनी इच्छा की बात है। इच्छा एक बार लाला जी को हो गई थी, जानते हैं पंडित जी? हाँ। वो भी अनशन पे बैठ गए थे। मगर बैठे क्यों थे? अरे खड़े खड़े थक गए थे इसलिए बैठ गए थे, और क्या है? आज भी बैठे हुए हैं।
पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। सुना है कि वो जंगल के चोटी पर जाके बैठे हुए हैं। अरे बेवकूफ, चोटी पहाड़ पर होती है। पहाड़ भी तो जंगल में ही होता है। पहाड़ तो जंगल में ही होता है। मुरारी जी, आप पोती के ब्याह पे ध्यान दीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके पोती के ब्याह के कारण ही हो रहा है। ठीक कही, ठीक कही। तो माता जी, आपको कैसा लग रहा है? नमक थोड़ा ज्यादा थो, बाकी बहुत अच्छो लग रहा है। तो क्या आपने कुछ खा लिया? ना लल्लू, ना। कैसी बातें कर रहे हो? खाओ थोड़ी, बस नमक चखने के लिए थोड़ा टेस्ट करो तो। अब क्या है ना लल्लू, कि अनशन को आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, है कि नहीं? अब आएंगे तो समोसे भी खाएंगे, जलेबी भी खाएंगे, तो दुकान का नाम खराब ना होगा। जयला ने हर चीज को खा के देखना पड़तो है। अब ऐसे लल्लू, अनशन अपनी जगह है, दुकान को धंधो अपनी जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी आप ये बताइए कि आपने ये अनशन क्यों किया? लल्ली अनशन में बैठी, जय मारे हमने अनशन करो। ए बाकी बिहारी, बड़े भैया मेरे को ना बड़ी भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन मैं खा नहीं सकता। क्यों भैया, क्या आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं? नहीं, जैसे बुआ जी अनशन पे बैठी है ना, मैं भी वैसे अनशन पर हूँ। फर्क इतना है कि वो बैठी है, मैं खड़ा हूँ। भैया मैं ना अपने दिल की आंखों से कुछ देख रहा हूँ। क्या देख रहे? आप समझ लीजिए कि एक प्लेट है, प्लेट नहीं एक कटोरी है, कटोरी। उसमें ना उबले हुए आलू और छोले और तले हुए आलू भी हैं, उन तीनों को मिला दिया है। और फिर मैंने उनमें ना मीठी चटनी मिला दी, और फिर मैंने थोड़ी सी खट्टी मिला दी, और फिर मैंने प्याज लिया एक, और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे में मिला दिया, और फिर मैंने धनिया को काट के ऊपर से डाल दिया है, और थोड़ा सा टमाटर भी उसमें डाल दिया है, और दो हरी मिर्चों को काट के पूरे में मिला दिया है। जल्दी से दे दे, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। भैया 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 शांति रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, चाट मसाला तो डालने दो। ये डाला मैंने चाट मसाला, और ये सबको मिला दिया, और चम्मच को साइड में लगा दिया, और नीचे नीचे क्या करेगा, नीचे प्लेट उसमें क्या करेगा? भैया नीचे हाथ तो लगाना पड़ेगा, तो प्लेट गिर जाएगी। गिर क्या है ना कि हम लोग अनशन पे है ना, तो अन्न नहीं खा सकते, इसलिए हम चाट खा रहे हैं और भैया से मैया खा रहे हैं। तो अनशन पे तो हम भी जी, तो हम भी खा सकते हैं ना। हाँ, और हम तो मुखिया हैं अनशन के, तो हम तो खा ही सकते हैं ना। पहले हम खा लेते हैं बुआ जी, उसके बाद आप खाना। ए लप्पू जन्ना लाओ ना। भैया बड़ी है, दे 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 दो। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए। खाइए खाइए, कोई नहीं देख रहा, खाइए। बाकी बिहारी जी की जय हो, जय हो, जय हो।
आपने अभी तक सचमुच में कुछ नहीं खाया है? कहना ना चाहती हूँ लल्लू, सचमुच बहुत जोर से भूख लग रही है। तो देखो भूख के मारे हिचकी भी आ गई है। लेकिन आवाज तो डकार की आई। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपने अभी तक सचमुच में कुछ नहीं खाया? कहना ना चाहती हूँ लल्लू, सचमुच बहुत जोर से भूख लग रही है। तो देखो भूख के मारे हिचकी भी आ गई है। लेकिन आवाज तो डकार की आई। लल्लू की बातें, दो दिन के भूखे इंसान की हिचकी भी ऐसी हो जाते है। माता जी, आपके मुंह पर लगी हुई ये चटनी कई सवाल खड़े कर रही है। लल्लू, वैसे तेरी सवाल पूछने की आदत बड़ी बुरी है, है? अब चल मैं भी तुझसे एक सवाल पूछता हूँ। ये बताओ, महारानी लक्ष्मी बाई ने जब लड़ाई लड़ी थी तो जे उंगली का इस्तेमाल नहीं करी थी, बताओ? वो क्या है ना माता जी, ऐसे काम के सवालों की आदत नहीं है ना, अब तो बस यूं ही फालतू के सवाल पूछते रहते हैं। मैंने भी तो उसे फालतू को सवाल ही पूछो थे, लेकिन अब मैं बता देता हूँ, जे उंगली को इस्तेमाल जा मारे ना कियो थो, कि जे उंगली तो मेरी थी ना। सत्य वचन माता जी, सत्य वचन। ये बात तो मैं समझ ही नहीं पाया। एक सत्य वचन मैं भी तो बता देता हूँ, तू न काम को न काज को है, और 1.5 किलो समोसा जलेबी और सटकाएगा है? ये क्या है? क्या मैं तो तेरे फोटो भी लगो है, पता भी लिखो है। ओहो, अरे कौ है ये, कौ को लल्लू खो गया है। अरे जाए घर तक छोड़े आओ, जबकि माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, जाओ जाओ छोड़े आओ। अरे नहीं माता जी, आप परेशान मत होइए, मैं मन में चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। लल्लू हाँ? किनारे किनारे जाइयो है हाँ? और सड़क ना पार कियो हाँ? जा जा हाँ? मुड़के ना देखियो। अरे लप्पू जन्ना, हो गया टीवी सेट सेट ए, हो गया हो गया सेट सेट। अब तुम लोग भी हो जाओ सेट। हो गए सेट, हो गए सेट, तो आप भी हो जाओ सेट। हम तो हैं ही सेट। अब हम इससे करेंगे सबको अपसेट। का गई देखा बिंदिया, देखा रज्जू, अंशन की ताकत। हाँ ताकत है, पूरी बात सुन लो रानी जी, अभी ताकत मत दिखाओ। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। हाँ तो लालियो, ये जो तुमने स्वांग रचाया, ढोंग किया अनशन का, जिसका आनंद सबने लिया है, तो ये जब हम रिमोट का एक बटन दबेगा तो ये अनशन का ढोल फट जाएगो।
दूध का दूध हो जाएगा और दही का दही। खा गई। बहुत सही, बहुत सही। और गेटी की शादी हो जाएगी। देखा बिंदिया, देखा रज्जू, अंशन की ताकत। हाँ, ताकत है? पूरी बात सुन लो रानी जी, अभी ताकत मत दिखाओ। हम तो ये कह रहे थे कि गेटी की शादी जब होनी है तब होगी। और होनी तभी है जब ये अपने पैरों पे खड़ा होए। वो अभी तो नहीं होगी। पर बाबू जी, वो जो हम यहाँ भूखे प्यासे अनशन पे बैठे हैं उसका का? हाँ, भूखे। रज्जो बेटा, तुम कितनी भूखी रही हो उसी की फिल्म तो हम दिखाने जा रहे हैं। फिल्म का शीर्षक है भर पेट अनशन। ये देखो। श्री 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 1008 महाराज घंटेश्वर प्रसाद घंटा वाले, इनकी मिठाई की दुकान दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लाला जी ने यह ऐलान किया है कि आसपास के 3 गांवों में हॉस्पिटल खोले जाएंगे जिनमें मिलेगी दवा के साथ फ्री मिठाई। अरे रुक जा, नहीं मिलेगी। कितने अस्पताल की गई थी? 6। अच्छा, पक्के? 3। मतलब आधा। लाला जी गलती हो गई, 3 कल छाप दूंगा।